हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पवन सर में। और आज मैं लेकर के आया हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि इस समय जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो चल रहा है कोरोना वायरस। और आप लोगों के आने वाले टाइम में इसी टॉपिक से, कोरोना वायरस से यानी कोविड-19 भी कहते हैं इसको, तो इसी टॉपिक से आप लोगों के एक ऐसे राइटिंग निबंध लेखन जो होता है इंग्लिश में, वो आप लोगों के आने वाला है आने वाले टाइम में। जब भी आप लोगों जिस भी एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम होगी आपकी, उसमें इसमें से ये क्वेश्चन पुटअप ज़रूर किया जाएगा। तो मैं आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में इसके विद हिंदी अर्थ सहित, ठीक है, हिंदी ट्रांसलेशन बता करके आप लोगों को अपने इजी वे से बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अब कोरोना वायरस जिसको आप लोग कोविड-19 भी कहते हो, मैं बताता हूँ इसके बारे में। कोरोना वायरस विच इज कॉमनली कॉल्ड एज कोविड-19, कोरोना वायरस को कॉमनली यानी सामान्य रूप से कॉल्ड यानी कहा जाता है एज कोविड-19। किस नाम से जाना जाता है इसको? कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है किसको? कोरोना वायरस को। कोरोना वायरस इज ए वेरी स्मॉल बट मोस्ट हार्मफुल वायरस। कोरोना वायरस बहुत छोटा है लेकिन बहुत खतरनाक वायरस है, हार्मफुल यानी खतरनाक हानिकारक वायरस है। तो यहाँ पे मैंने बताया कोरोना वायरस इज ए वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, बट मोस्ट हार्मफुल वायरस, लेकिन बहुत खतरनाक वायरस है, हानिकारक वायरस है। नेक्स्ट है, दे हार्म द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। दे हार्म, हार्म यानी होता है क्षति पहुँचाते हैं या हानि पहुँचाते हैं, तो दे हार्म द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी यानी होता है श्वास संबंधी, ठीक है, मानवीय श्वास संबंधी जो प्रक्रिया होती है, सिस्टम प्रणाली होती है, उसको क्षति पहुंचाते हैं। कौन? ये कोरोना वायरस जो होता है इसको क्षति पहुंचाता है, मानवीय रेस्पिरेटरी यानी होता है श्वसन संबंधी जो प्रणाली होती है हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, तो उस प्रणाली को ये क्षति पहुंचाता है। आगे देखिए, अब कोरोना वायरस कोविड-19 वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दिसंबर 2019 इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। कोरोना वायरस की वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड यानी होता है पहचान, तो सबसे पहले इसकी पहचान की गई थी ड्यूरिंग यानी के दौरान। कब पहचान हुई थी इसकी? दिसंबर 2019 में। तो दिसंबर 2019 मतलब दिसंबर 2019 में इसकी सबसे पहले पहचान की गई थी कोरोना वायरस की। कहाँ पे की गई थी? इन वुहान सिटी यानी वुहान शहर में। कहाँ पे? वुहान शहर में। और ये वुहान शहर कहाँ पे? चाइना। तो कोरोना वायरस की चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में इसकी सबसे पहले पहचान की गई थी। इन मार्च 2020 और मार्च 2020 में द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WHO, तो WHO की फुल फॉर्म हो गई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो मार्च 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डिक्लेयर्ड यानी घोषित कर दिया द कोविड-19 यानी जो कोविड-19 इस कोरोना वायरस को क्या घोषित कर दिया? पैंडेमिक यानी महामारी। क्या घोषित कर दिया इसको? महामारी घोषित कर दिया। और आउटब्रेक यानी आप ये मान सकते हो प्रादुर्भाव ही है, यानी प्रादुर्भाव होता है इसका अर्थ। तो पर ये क्या है, इसको ये कह सकते हो कि इसको एक क्या घोषित कर दिया WHO ने? महामारी घोषित कर दिया। आगे देखते हैं, इट स्प्रेड, देखें इट स्प्रेड बिटवीन पीपल ड्यूरिंग क्लोज कॉन्टैक्ट। तो यह फैलता है, देखिए स्प्रेड यानी होता है फैलता है, बिटवीन पीपल यानी लोगों में, क्लोज कॉन्टैक्ट यानी क्या हो गया? नज़दीकी संपर्क। तो यह जो कोरोना वायरस है ये लोगों में नज़दीकी संपर्क के दौरान फैलता है, क्लोज कॉन्टैक्ट यानी हो गया नज़दीकी संपर्क, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने आपको थोड़ा इसके बारे में बता दिया कि कब इसकी फर्स्ट आइडेंटिफाइड किया गया था, इसको सबसे पहले किस शहर में था, किस तारीख डेट, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसमें सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, तो ये सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स यानी होता है लक्षण, कोविड-19 के लक्षण क्या क्या है। देखिए अब इसके, फीवर यानी बुखार आना, कफ यानी खांसी आना, ठीक है, खांसी हो जाना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, श्वास लेने में तकलीफ होना, ठीक है, श्वास लेने में कमी होना, शॉर्टनेस यानी कमी बोल दीजिए, तकलीफ बोल दीजिए, तो फीवर यानी बुखार, खांसी, श्वास लेने में तकलीफ। आर सम
ऑफ द कॉमन सिम्टम्स, ये कुछ सामान्य लक्षण है किसके? कोरोना वायरस के। तो फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द कोरोना वायरस। तो ये कोरोना वायरस के कुछ सामान्य लक्षण है। अपार्ट फ्रॉम दिस सिम्टम्स, इन लक्षणों के अलावा, अपार्ट यानी होता है के अलावा, तो इन लक्षणों के अलावा लाइक फैटिग, फैटिग यानी क्या होता है, फैटिग यानी होता है थकान होना, ठीक है। तो लाइक फैटिग, थकान होना, शॉर्ट थ्रोट, गला रुंध जाना या गला, गले में आपके जो थ्रोट है, कंठ है, इसमें क्या कुछ दर्द होना, कष्टदायक स्थिति हो जाना गले की, तो उसको शॉर्ट थ्रोट बोलेंगे। मसल पेन, मसल यानी होती है मांसपेशियां, मांसपेशियों में दर्द होना। लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ स्मेल यानी होता है जो आपके सूंघने की शक्ति है उसमें कमी हो जाना, ठीक है, किसी चीज़ की सुगंध, दुर्गंध ये आना नहीं आना, तो ऐसी कंडीशन हो जाना, तो लॉस ऑफ स्मेल। कैन आल्सो बी सीन इन कोरोना वायरस पेशेंट्स, तो कोरोना वायरस से जो संक्रमित जो रोगी होते हैं, मरीज होते हैं, उनमें ये सारे लक्षण भी देखे जा सकते हैं। कौन कौन से मैंने अभी बताया आपको, फैटिक, थकान, शॉर्ट थ्रोट, गला रुंध जाना, गले में कष्ट होना, मसल पेन, मांसपेशियों में दर्द, और सूंघने की जो शक्ति है उसमें कमी आ जाना, ये सारे लक्षण भी आपके COVID-19 जो पेशेंट होते हैं उनमें देखे जा सकते हैं। आगे देखिए, अब आगे हमारे प्रिवेंशन ऑफ COVID-19, प्रिवेंशन ऑफ COVID-19। तो देखिए यहाँ पे प्रिवेंशन यानी होती है रोकथाम, प्रिवेंशन यानी क्या होती है, रोकथाम। तो इस कोरोना वायरस की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, इसको ध्यान रखना है आपको। सबसे पहला पॉइंट, वॉश हैंड्स रेगुलरली विद सोप और सैनिटाइजर, किस किस से, देखिए यहाँ पे वॉश हैंड्स रेगुलरली यानी हाथों को धोते रहिए रेगुलरली यानी रोजाना धोइए, विद सोप यानी साबुन से, या फिर किससे धोइए, सैनिटाइजर से। तो साबुन और सैनिटाइजर से रोजाना हाथों को धोते रहना चाहिए। कीप डिस्टेंस, दूरी बना करके रखनी है, और 1-3 meters यानी 1-3 meters की दूरी, जिसको आप लोग 2 गज दूरी भी कहते हो, फ्रॉम पीपल्स यानी लोगों से, तो लोगों से 1-3 meters की दूरी बना करके रखनी है। कवर यूअर नोज, अपनी नाक अपना मुंह ढक करके रखना है वाइल कफिंग और स्नीजिंग, जब आप खांस रहे हो या छींक रहे हो, कफिंग यानी हो गया खांस रहे हो और स्नीजिंग यानी छींक रहे हो, जब आप लोग खांस रहे हो या छींक रहे हो तो अपने माउथ और नोज को क्या करना है, आपको ढक के रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा प्रिवेंशन है पॉइंट, अवॉइड टचिंग यूअर आइज, अपनी आँखों को, अपनी नाक को और अपने मुँह को टच करने से आपको बचना है। इफ़ यानी यदि यूअर हैंड्स आर नॉट क्लीन, यदि आपके हाथ साफ नहीं है तो अपनी आँख, नाक और मुँह को टच करने से बचें। ये आपके हो गए प्रिवेंशन, किसके, COVID-19 को रोकने के उपाय, उसकी रोकथाम करने के उपाय। ये हो गया अपना एक शॉर्ट रूप में, एक ऐसे राइटिंग मैंने आपको बता दिया COVID-19 के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और मैंने नीचे लाइन भी लिखी है जो आपको गवर्नमेंट भी बताते रहते हैं कि स्टे होम एंड स्टे सेफ, घर पर रहिए सुरक्षित रहिए। अब देखिए आप लोगों को इसमें कुछ टफ मीनिंग्स भी आई होगी, इसलिए उनके लिए भी मैंने आप लोगों को एक पर्सनली इनका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे। देखिए कॉमनली यानी होता है सामान्य रूप से, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। रेस्पिरेटरी यानी होता है श्वास संबंधी। आइडेंटिफाइड यानी पहचान की गई। डिक्लेयर्ड यानी घोषित कर दिया। और पेंडेमिक यानी महामारी। स्प्रेड यानी फैलता है। क्लोज कॉन्टैक्ट यानी नज़दीकी संपर्क। इसके अलावा कुछ मीनिंग्स और हैं, इनको भी आपको याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। फीवर यानी बुखार। कफ मीन्स खांसी। अपार्ट मीन्स के अलावा। सिम्टम्स यानी लक्षण। मीन्स ढकना। स्नीज मीन्स छींकना। फैटिग मीन्स थकान। स्मेल मीन्स सूंघना। और मसल्स मीन्स मांसपेशियाँ, ठीक है। सौर मीन्स कष्टप्रद, घाव भी बोल सकते हो, वैसे घाव की मीनिंग होती है वाउंड्स, ठीक है। और छाले भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि गले में तरह छाले, घाव, कष्टदायक स्थिति हो जाती है, उसको हम लोग सौर बोलेंगे, ठीक है। बाकी इनकी मीनिंग्स अलग होती है, घाव को वाउंड्स कहते हैं और छाले को ब्लिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक मीनिंग और है डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी दूरी। तो ये मैंने आपको अपने एक सिंपल वे से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, और आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि आने वाले टाइम में ये कोरोना वायरस का निबंध है, ऐसे राइटिंग है, इसमें पूछा जाएगा, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू।